हेलो एवरीवन, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी पर्पल से मंगाए थे, मैं इनके रिव्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। बट ये वीडियो मैं टू पार्ट्स में बनाऊँगी। फर्स्ट में मेरे सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो भी 3-4 प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट में मैं बनाऊँगी जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। तो ये टू पार्ट्स में होगा। मेक श्योर कि आप दोनों पार्ट ज़रूर देखें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। थैंक यू। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ एक पर्पल का हॉल शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा, इट्स अ स्किन केयर प्लस मेकअप प्रोडक्ट। सो बहुत ज़्यादा यूज हॉल नहीं है, बहुत ही छोटा सा हॉल है, मिनी हॉल है। एंड अभी रिसेंटली जो मुझे चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स थी, मैंने वही चीज़ों को ऑर्डर करा है। ये पर्सनली मैंने अपने लिए मंगाया था एंड मैंने सोचा कि मैं इनको आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो मैं फ़र्स्ट टाइम खुद ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये सबसे बेस्ट है कि अगर मैं कोई चीज़ पर्सनली फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मैं उसका आपके साथ रिव्यू शेयर करूँ, जिससे आपको भी हेल्प हो। मे बी आप वो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि हमें भी वो प्रोडक्ट लेना है कि नहीं, एंड आप रिव्यू सोच रहे हो कि हमें चाहिए उसका, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को बाय कर सकें। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एंड बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें एंड वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, जिससे मे बी आपको इस वीडियो में कोई हेल्प मिल जाए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड कोई भी सजेशन हो तो आप वो मुझे दे सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कि हमने इसमें क्या क्या मंगाया है। सो लेट्स स्टार्ट इट। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी ये गुड वाइब्स का बॉडी लोशन है। एंड मेरे पास जो प्रीवियस वाला था वो था शिया बटर का, बट दिस टाइम मैंने ये मंगाया है। इट्स अ लेवेंडर सॉफ्टनिंग बॉडी लोशन। एज यू नो कि अभी समर आ गया है एंड प्रीवियस जो था वो मैंने आई थिंक शिया बटर मंगाया था, तो वो इसलिए मंगाया था बिकॉज विंटर था एंड विंटर में आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिएगा एंड मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो मेरे को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि मैं कोई ऐसा बॉडी लोशन लूँ जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो। समर्स आ गए हैं तो इतना मॉइस्चर की ज़रूरत, मॉइस्चराइज़र जो भी होता है मैं उसको नहीं अप्लाई करती हूँ। सो ये जो प्रोडक्ट है वो है 200 ml का एंड इसकी जो MRP है वो है 195, और मुझे ये जो पड़ा था वो था आई थिंक 185। इसमें जो लेवेंडर वेरिएंट है, और लेवेंडर की एज़ यू नो कि बहुत ही माइल्ड एंड बहुत ही अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है। सो मैंने इस बार ट्राई करा, मेरा बहुत टाइम से मन था ये वाला वेरिएंट मंगाने का। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एज वी नो कि गुड वाइब जो है वो बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें कोई पैराबिन नहीं होता, कुछ केमिकल नहीं होता है। इसकी जो शेल लाइफ है वो अप्रॉक्स 2-2.5 ईयर्स है। सो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते। सो इसके बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं, ये कौन सी स्किन को सूट करता है वो सब हम देख लेते हैं। तो इसकी जो मैंने MRP आपको बताई दी है 195, इसकी जो MRP है वो 195 है, बट ये मुझे जो पड़ा था वो 156 का पड़ा था आफ्टर डिस्काउंट। एंड इसका वेट 200 ml है, पैराबिन फ्री है, क्रुएटेड फ्री है, नो सल्फेट्स, नथिंग, नो केमिकल्स एट ऑल, और ये सब स्किन टाइप्स को सूट करने वाला है। और ये आइडियल है डलनेस के लिए, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा और ये ड्राई नहीं करेगा। आपकी स्किन को ग्लो करेगा, सॉफ्टनिंग देगा, हाइड्रेट रखेगा आपकी स्किन को एंड ये टाइनिंग से भी बचाएगा। बट इसमें SPF वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा है, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत डिलाइटफुल है, सो लेट सी कैसी है कि नहीं। और ये सब स्किन को सूट करेगा एंड इस टाइप से सील पैक्ड होता है, तो आपको इसे टर्न करके देन ऐसे ये ओपन हो जाता है। एक ही बार में पंप में आ गया एंड बहुत सॉफ्ट है, बहुत वॉटरी काइंड ऑफ है एंड बहुत अच्छे तरीके से इट्स रियली अमेजिंग। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है एंड इट्स रियली नाइस सॉफ्ट। या सीरियसली मैंने इस वाले हैंड पे अप्लाई करा है एंड एक आपको एक सॉफ्टनेस दिख रही होगी हैंड पे। एंड मैं इसको यूज़ करने के बाद ज़रूर आपको रिव्यू दूंगी कि ये कैसा है एंड मैं अपना एक स्किन केयर रूटीन भी आप। नेक्स्ट है ये बायोटिक का फेस वॉश। इट्स अ एडवांस्ड आयुर्वेदा
बायो वाइट एडवांस फेयरनेस फेस वॉश। ये 100% नेचुरल है, प्योर है, इसमें भी कोई केमिकल नहीं है एंड इट्स एन इंडियन ब्रांड एंड आई थिंक ये काफ़ी पुराना ब्रांड है। काफ़ी लोग आप में से इसे यूज़ भी कर रहे होंगे बट मैंने ये फर्स्ट टाइम बाय किया है। सो मैं इससे पहले गुड वाइब्स की ही फेस वॉशेज़ यूज़ कर रही थी। मैंने अभी रिसेंटली जो करा हुआ है वो आई थिंक फॉर्मिंग फेस वॉश है फ्रॉम वनीला एसेंस। सो वो भी ओके ओके काइंड ऑफ है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लिटिल बिट वो वॉश करने के बाद मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन को ड्राई करता है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। के अंदर मेंशन है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है एंड इसकी जो ml है वो है 150 ml एंड इसका MRP 135 एंड मुझे आफ्टर डिस्काउंट 122 का पड़ा था। एंड ये आपकी स्किन को वाइटनिंग देगा, फेयरनेस देगा, रिड्यूस करेगा रफनेस को, डलनेस को एंड जो भी आपकी यू नो एक्ने प्रॉब्लम है उनको भी ये सॉल्व करेगा। सो इट्स अ प्रॉपर आयुर्वेदिक 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। सो इट्स नेचुरल। अगर आपको डाउट है कि कुछ केमिकल है या आपको आई डोंट के कोई साइड इफेक्ट होगा, बट ऐसा नहीं है, आप इसको एक चांस दे सकते हैं। इसका छोटा पैक भी आता है, ये बड़ा है 150 आई थिंक 100 ml भी आता है, तो आप पहले उसको ट्राई दे सकते हैं। एंड इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे फ्रूट्स इंग्रेडिएंट्स हैं। इट्स अ कुमारी लीफ पल्प, टोमेटो फ्रूट जूस, अनानास फ्रूट, किकर गम, अमला फ्रूट, मधु, रीठा फ्रूट, प्योरीफाइड वाटर, ये सब इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इट्स ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स, इट्स ऑर्गेनिकली प्योर एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड। वो इट्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि यूज़ करने के बाद पता चलेगा कि कैसा है। दिस स्किन को फेयरनेस भी देगा, तो आप रेगुलर अगर इसे यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि कैसा वर्क करता है। एंड इसका भी रिव्यू मैं आपके साथ आफ्टर 15 days मैं इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सबके ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मैं उनका एक रूटीन बनाऊँगी एंड मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगी, मेरी स्किन पे वो कैसा इफेक्ट दे रहा है, आपके लिए वो अच्छा है कि नहीं, ये ऑल स्किन टाइप को सूट कर सकता है या नहीं कर सकता। सो चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। एंड नेक्स्ट है मेरा ये गुड वाइब्स का ग्रेप सीड का फेस सीरम एंड इट्स 10 ml क्वांटिटी। इसकी जो MRP है वो 199 है एंड मुझे ये पड़ा था 159 का आफ्टर डिस्काउंट। सो इट्स स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस सीरम, नो पैराबेन, क्रुएल्टी फ्री। सो इसके जो बेनिफिट्स है वो हम पढ़ लेते हैं। इट्स अ इवन स्किन टोन, लाइटन हाइपर पिगमेंटेशन, कीप स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ। सो आपको अगर आप ये मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये बात, हम काफ़ी रिलैक्स होते हैं, कोई वर्क नहीं होता है, कुछ स्वेटिंग नहीं होती है, सो हम रात को ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी स्किन पर। सो इसीलिए आप रात को जब भी सोएं उससे पहले आप अपने फेस को वॉश कर लें एंड आफ्टर यूजिंग जेल और समथिंग आप इसको अप्लाई करें, जस्ट 2-3 drops। एंड मेनली आप कभी भी जो ऐसे सीरम्स या कुछ होते हैं आप डायरेक्टली ऐसे ड्रॉप्स करके ना लगाएं, अपने हाथ में लें 2-3 drops, उसको हल्का सा टैप करें अपने हैंड पे एंड देन आप उसको इस तरीके से अपने फेस पर अप्लाई करें। सो दिस इज़ अ राइट वे टू यूज़ अ सीरम। सो इसके जो बेनिफिट्स है वो हम देख लेते हैं। सब स्किन, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। यह आपकी स्किन, अनइवन स्किन को सही करेगा, रफनेस दूर करेगा, डलनेस दूर करेगा और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो स्किन को सॉफ्ट करने के लिए हैं, स्किन रेडियंस रिड्यूस करेगा, इट विल गिव्स यू इल्यूमिनेटिंग फैक्टर लाइक स्मूथ आउट फाइन लाइंस एंड रिंकल्स रिमूव कर सकता है करेगा। अगर आपके रिंकल प्रॉब्लम है, आप 30+ हैं तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, और अगर आप 30+ के नियर भी हैं लाइक 28 something तो भी आपको ऐसा सीरम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इट्स कम्प्लीटली केमिकल फ्री। सो कोई साइड इफेक्ट वाली टेंशन नहीं है कि आपको कोई साइड इफेक्ट होगा। एंड इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो इसका जो सीरम है ये इस टाइप के बॉटल में आता है, इस पर कैप होती है, आप इसे ओपन कर लीजिए। इसके अंदर एक और अंदर लिड है एंड ये कि ड्रॉपर आता है। बेसिकली मैं ये कैप हटा देती हूँ इसकी एंड मैं इसी को इसको कवर करके रखती हूँ जिससे ईजिली अप्लाई हो जाए प्रोडक्ट। फ्रेग्रेंस इज गुड, इट्स लिटिल बिट चिपचिप, लिटिल बिट आई डोंट नो व्हाई, बट फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है इसकी। एंड इसका इफ़ेक्ट मैं आपको बताऊंगी
आफ्टर 15 डेज, बट इसको मैं यूज़ करके देख सकती हूँ कि कैसा है। अगर ये सब चीज़ें मेरे को बता रहे हैं कि ये चीज़ें इसके बेनिफिट्स हैं, तो लेट्स सी कि ये इतना बेनिफिट मुझे देता है या नहीं देता, एंड देन आफ्टर डैट मैं आपके साथ इसका एक और रिव्यू शेयर करूँगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है ये गुड वाइब्स की रेसबेरी एंड पेपरमिंट बैलेंसिंग फेस क्रीम। सो रेसबेरी एंड पेपरमिंट का मेरे पास स्क्रब एंड आई थिंक फेस मास्क है। मैंने उसका भी एक आपके साथ वीडियो शेयर किया था, नहीं अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट को मैंने खोला नहीं अभी तक। इसका जो नेट वेट है वो है 50 ग्राम्स एंड इसकी जो MRP है वो है 225। इसका मेन इन्ग्रीडियंट है रेसबेरी एंड पेपरमिंट। ये भी जो प्रोडक्ट है वो ऑल स्किन टाइप के लिए है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज देगा एंड ब्यूटीफुल सा कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। स्किन सूथिंग के लिए है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए है एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। सो ये इस टाइप से है, ऐसा इसका एक लिड आता है। ओह माय गॉड, इसकी फ्रेग्रेंस ऑसम। बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर है एंड ये बिल्कुल भी यू नो चिप चिप काइंड ऑफ नहीं है गाइस, सीरियसली। इन सबसे भी इसकी फ्रेग्रेंस, ओ माय गॉड। आपके एक्ने प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन है आपको लगता है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सेट के इट गिव्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन एंड मॉइस्चराइज योर स्किन, रिड्यूस रिंकल्स, रिड्यूस एक्ने स्पॉट्स एंड एक्सेट्रा। आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा एंड इसका जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस करेगा। सो बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं और आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं पर्पल से, सो उसके नीचे उनकी सारी इंफॉर्मेशन आती है, उसमें सब लिखा होता है कि कौन से स्किन टाइप के लिए है, कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कौन से उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं। तो आप मेक श्योर के कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो उसके आप ये सब चीज़ें पढ़ लें, उससे आपको आसानी होगी कोई भी प्रोडक्ट बाय करने में। दैट्स इट गाइस, एंड सो इन सब के जो भी लिंक्स होंगे मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, बिग थम्स अप, एंड मेरी वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन जरूर हिट कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।